हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हमें देखना है कि ग्राफ किस तरह से बनाए जाएंगे। यू नो ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। यहाँ सभी नंबर क्या है पॉजिटिव में, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ -1, -2, -3, -4। यहाँ भी माइनस में, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है एक्सिस, और वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो है ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस ये देखो, यहाँ सब नंबर क्या है पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। यहाँ क्या है नेगेटिव नंबर, इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स पर सभी नंबर क्या है नेगेटिव। यहाँ देखो इसको क्या बोलेंगे इस लाइन को पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ये 0, 0 यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां पर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर भी जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, कोमा वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की और सेकेंड वैल्यू वाई की। यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या है नेगेटिव, बट वाई एक्सिस पर क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ देखो दोनों ही नेगेटिव, एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव और वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव। यहाँ एक्स एक्सिस पर तो क्या है पॉजिटिव, बट वाई एक्सिस पर क्या है नेगेटिव। क्लियर। दोबारा से देख लो, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलोगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को और क्या बोला जाता है एक्सिसा, वाई एक्सिस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। सभी नंबर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नंबर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे 0, 0 ओरिजन। क्वाड्रेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस पर भी पॉइंट पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है पॉजिटिव, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या नेम है टू डिटरमाइन अ पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, जब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ये था कि देखो ये कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी लाइन है वर्टिकल, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नेम तो क्या है एक्स एक्सिस, बट जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन होगी, इसका नेम क्या है वाई एक्सिस। आपको क्वेश्चन में ये बताना था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन को मिला के जो प्लेन बनते हैं उनके ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, मतलब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन पार्ट को क्वाड्रेंट। ये बताना था क्या बोलोगे इनको क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में देखो, राइट नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अभी आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं
और सम नंबर सेकंड, आपको इसमें क्या बताना है, ग्राफ दिया है आपको, कोऑर्डिनेट बताना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी पॉइंट का ये बी के कोऑर्डिनेट देखो, सबसे फर्स्ट एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या है 2, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है -5। इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 2 और -5। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सबसे फर्स्ट देखो सी पॉइंट का ये ना 5 और -5, एक्स एक्सिस पर वैल्यू दी हुई है 5 और वाई एक्सिस पर वैल्यू दी हुई है -5। इसके बाद पॉइंट -3 और -5, पॉइंट बताना है जहाँ -3 हो और -5, ये -3 ये -5, कौन सा पॉइंट है ये ई। अब देखो 2 और -4, इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या होना चाहिए 2, एक्स का कोऑर्डिनेट 2, ये -4, 2 और -4 क्या पॉइंट है जी। अब बता रहे हैं एक्सिस ऑफ डी, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पर डी का पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर डी का पॉइंट क्या है 6। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच ये ना ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या पॉइंट है -3। इसके बाद बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट देखो एक्स एक्सिस पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो एक्सिस पर वैल्यू 0, वाई एक्सिस पर क्या है 5। उसके बाद बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम पॉइंट का है, एम पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर क्या है -3, बट वाई एक्सिस पर पॉइंट कुछ नहीं है, तो वाई एक्सिस पर क्या है 0। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे 0।